श्री अखिलेश यादव जी अहंकार से भरे हुए, उनको मैं बार बार कहता हूं, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, विरासत में समाजवादी पार्टी की अध्यक्षी मिली है और वरासत में उनको श्री मुलायम सिंह यादव जी की संपत्ति मिल सकती है। ये 24 में आप विश्वास रखिएगा, जहां सपा बची भी है वहां भी कमल खिले। मिर्जापुर में एक युवक ने योगी मोदी की तारीफ करने पर उसकी कुचल कर हत्या कर दी, ये बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका जो दोषी है उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई सीएम का T20 में बनारस में वायरल किया जा रहा समाजवादी पार्टी की, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो देखा भी नहीं क्या ट्रोल किया जा रहा क्या नहीं ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटिया हरकत समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है उस मानसिकता से रोगग्रस्त कह लीजिए वही लोग इस तरह का काम करते हैं। तो कह रहे हैं ना कि 80 लाओ भाजपा हटाओ, अखिलेश जी तो 2014 से कह रहे हैं, 2014 में कहे हम 60 से 70 सीटें जीतेंगे, 4 पर सिमट गए, 2017 में उन्होंने कहा 300 पार करेंगे, 47 में सिमट गए, 2019 में सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न चकनाचूर कर दिया जनता जनार्दन ने, और 2022 में 400 जीत रहे थे और आज कहां पर खड़े हैं। तो अहंकार भगवान का भोजन है और श्री अखिलेश यादव जी अहंकार से भरे हुए, उनको मैं बार बार कहता हूं, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, विरासत में समाजवादी पार्टी की अध्यक्षी मिली है और वरासत में उनको श्री मुलायम सिंह यादव जी की संपत्ति मिल सकती है, ये नहीं मिल सकता।